चलो ठीक है। ए लिमिटेड हुज अकाउंटिंग ईयर एंड्स ऑन 31/13 एग्रीड टू सेल, एग्रीड टू सेल डिफाइनिंग वर्ड रहेगा क्वेश्चन में, टू सेल अ प्लॉट ऑफ लैंड ऑन 18/3/2013। एग्रीमेंट 18/3 को ही होने वाला था, 18/3 को ही होने वाला था। पेंडिंग द एग्रीमेंट फॉर सेल एंड ड्यू टू नॉन रिसीप्ट ऑफ वैल्यूअर्स रिपोर्ट, सेल ऑफ लैंड कुड नॉट बी कंप्लीटेड अप टू 31/3। कुछ वैल्यूएशन का रिपोर्ट लेना था सेल करने के पहले, वो हमको नहीं मिला, बोले वैल्यूएशन का रिपोर्ट आ जाएगा हम सेल कर देंगे। वैल्यूएशन का रिपोर्ट मिला 7/4 को, एग्रीमेंट हुआ 10/4 को, 10/4 को। ऑफ कोर्स इट इज बिफोर द अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बाय द बीओडी, बट इट इज आफ्टर द बैलेंस शीट डेट। बैलेंस शीट डेट इज 31/3/13 एंड अप्रूवल डेट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज 12/5/2013। ठीक है, देखो अब कैसा है, ईओ एबीडी में तो आता है, क्यों आता है, बैलेंस शीट डेट के बाद में अप्रूवल के पहले इवेंट है, लेकिन क्या ये सिग्निफिकेंट एडजस्टिंग इवेंट है क्या? देखो बात ऐसी है कि सिर्फ एक वैल्यूअर का रिपोर्ट नहीं आया था, इसके लिए अपन लोगों ने सेल उसका एग्रीमेंट साइन नहीं किया था। मतलब क्या हो गया, आपको एक अकाउंटिंग में ये रहता कन्वेंशन, सब्सटेंस ओवर फॉर्म। सब्सटेंस ओवर फॉर्म क्या बोलता, चीजों को चीजों की जो असलियत है उसको देखो। मतलब क्या हो गया, चीजें जो असली में हो रही सब्सटेंस जो है उसको देखो, फॉर्म के ऊपर बिलीव मत करो। मतलब क्या हो गया, सिर्फ थोड़ी सी फॉर्मेलिटी बाकी है उसके लिए मत करो, सब्सटेंस हो गया ना अपना। हाँ सब्सटेंस ओवर फॉर्म वही तो बोलता कि फॉर्मेलिटी में मत जाओ, सिर्फ फॉर्मेलिटी बाकी थी साइन करने की, फेल्यूअर के रिपोर्ट मिलने की। वी हैव ऑलरेडी एग्रीड टू सेल अ प्लॉट ऑफ लैंड एंड वी आर टेकिंग द वैल्यूअर रिपोर्ट। समझ में आ रहा है कि वैल्यूअर रिपोर्ट के वजह से सेल बाकी था, बाकी तो सारी फॉर्मेलिटीज तो हो गई थी। एक वैल्यूअर रिपोर्ट आ जाता था, मैं एग्रीमेंट साइन कर देता था। समझ में आ रहा है, तो मुझे सेल करना था कि 31/3 को भी, पापा मैं तो 18/3 को करने को बढ़ गया था। तो क्या कंडीशन एग्जिस्टेड थी कि बैलेंस डेट पे? हाँ, तो क्या आपने सेल करके रिकनेस करना चाहिए क्या? हाँ, सब्सटेंस ओवर फॉर्म बोला जाता है इसको। समझ में आ रहा, सिर्फ एग्रीमेंट साइन करने का बाकी है, तो जिस दिन हो गया उस दिन हो गया, वैसे तो मुझे 31/3 को कर लेना चाहिए। समझ में आ रहा, ठीक। इसके अंदर किसी को डाउट है, इसमें किसको डाउट है क्या? सब्सटेंस ओवर फॉर्म रहता है अकाउंटिंग कन्वेंशन, गो ओवर दी सब्सटेंस, मटेरियलिटी क्या है ट्रांजेक्शन के, सेल 18/3 को ही होने वाला था, सिर्फ छोटा सा रिपोर्ट नहीं मिला इसके लिए रह गया, वो हो गया 10/4। ठीक है, सब्सटेंस ओवर फॉर्म एडजस्टिंग, ठीक है। अब ऑफकोर्स एडजस्टिंग इवेंट का उल्टा, नॉन एडजस्टिंग इवेंट, इवेंट्स विच आर इंडिकेटिव ऑफ कंडीशन दैट अरोज सब्सिक्वेंट टू द बैलेंस शीट डेट, नो कंडीशन एग्जिस्टेड ऑन द बैलेंस शीट डेट। अब इनका क्या करना, कोई अकाउंटिंग एंट्री करने की जरूरत नहीं है। आपको कुछ लगता है सिग्निफिकेंट है तो डिस्क्लोज कर सकते बोर्ड के रिपोर्ट, लेकिन नो अकाउंटिंग एंट्री, कोई अकाउंटिंग करना नहीं है, कोई एडजस्टमेंट करना नहीं है। डू नॉट जस्टिफाई चेंज इन रिपोर्टेड वैल्यू ऑफ एसेट्स लायबिलिटी एक्सपेंस इनकम, कुछ भी चेंज नहीं होता है। जैसे एक अर्थक्वेक आ गया, ठीक है, मैं भी क्या बोल रहा हूँ ध्यान से सुनना, एक अर्थक्वेक आ गया जो पूरा कंपनी का डिस्ट्रक्शन करा उसने, ठीक है। अब क्या अर्थक्वेक आना ये 31/3 को आपको पता रहता क्या? नहीं। तो क्या कंडीशन एग्जिस्टेड ऑन द बैलेंस शीट डेट है क्या? नहीं। तो क्या एडजस्टिंग इवेंट है क्या? नहीं। तो क्या अकाउंटिंग एंट्री पास करना पड़ेगी क्या? नहीं। समझ में आ रहा ना, जैसे अर्थक्वेक आने वाला है, 10/4 को अर्थक्वेक आया, क्या आपको पता था कि 31/3 को कि 10/4 को अर्थक्वेक आने वाला है? नहीं। 10/4 को चोरी हो गई कंपनी में, आपको पता था क्या? नहीं। 10/4 को स्ट्राइक लॉकडाउन हो गया, स्ट्राइक डाउन हो गया, जो भी हो गया, बंद हो गया, नुकसान हो गया, ये हो गया, वो हो गया, उसका एडजस्टमेंट करते क्या? नहीं। समझ में आ रहा, क्योंकि अर्थक्वेक आपको मालूम रहता है, चोरी आपको मालूम है क्या, स्ट्राइक डाउन लॉकडाउन आपको मालूम है कि कोरोना वायरस आने वाला था तो 1 साल बंद रहेगा मार्केट? नहीं, नहीं मालूम था, तो कोई एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड नहीं है। ठीक है, इतना एग्जाम्पल पढ़ो तो डिस्क्लोज कर सकते आपको लगे तो। ठीक है, हाँ चलो, अब फॉलोइंग नॉन एडजस्टिंग इवेंट दिए हुए है, लेकिन आप लोगों ने उसमें डिस्क्लोज भी करना चाहिए, कोई एडजस्टमेंट तो करना है ही नहीं। मेजर बिजनेस कॉम्बिनेशन, आपने 31/3 के बाद में
उस डील हुई, आपने बिजनेस एक्वायर कर लिया, किसी कोई भी कंडीशन बैलेंस शीट डेट पे नहीं थी, प्लान टू डिसकंटिन्यू ऑपरेशन, आपने अचानक से एक प्लान अनाउंस कर दिया कि उनको बिजनेस बंद करना है, ठीक है, डिस्ट्रक्शन ऑफ मेजर प्रोडक्शन प्लान बाय फायर आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड, ओके ठीक है, ये सब क्या है, नॉन एडजस्टिंग इवेंट, आपको मालूम है क्या आग लगने वाली है, नहीं अनलेस अंटिल आप खुद लगाने वाले हो, ठीक है, ऑर्डिनरी शेयर ट्रांजेक्शन, पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर ट्रांजेक्शन, शेयर खरीद रहे बेच रहे ये सब चीजें हो रही, कोई रिस्ट्रक्चरिंग हो रहा है, अगर बैलेंस शीट डेट पे कुछ भी चीजें नहीं पता है, अचानक से सब चीजें हो जा रही है, तो आपने इनका कुछ भी नहीं करना चाहिए, ये सब नॉन एडजस्टिंग इवेंट है, टैक्स रेट बदल रहा, नए लॉज आ रहे हैं, नोटबंदी आ गई, नोटबंदी आपको पता था पहले आने वाली है, नहीं, कमिटमेंट है, कंटिंजेंट लायबिलिटी, ये सब चीजें जो दिए हुई है ना, मेजर लिटिगेशन अराइजिंग सोली आउट ऑफ इवेंट्स दैट ऑकर आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड, आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड अपने ऊपर किसी ने केस डाल दी, उसके लिए कोर्ट में केस चालू, आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड, हाँ पहले उसका कुछ भी नहीं था, ये सब चीजें जो है ये नो अकाउंटिंग एंट्री रिक्वायर्ड, कोई भी एडजस्टमेंट नहीं होगा, अकाउंटिंग एंट्री करते रहे तो एडजस्टमेंट इवेंट हो जाता, ठीक है, कोई भी अकाउंटिंग एंट्री रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है, अब देखते हैं अपन लोग क्वेश्चन नंबर वन, इन एक्सिमेटेड द थेफ्ट ऑफ कैश ऑफ 5 लाख बाय एन कैशियर इन जून जनवरी 2013 वाज डिटेक्टेड इन मे 2013, कैश तो चोरी हो गई थी, वो आदमी को हमने पकड़ा मे 2013 में, येट अकाउंट्स वर नॉट अप्रूव्ड बाय ब्यूरो, डिस्कस द ट्रीटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31/3/13, कैसा है, आपने आदमी को पकड़ा बाद में, लेकिन चोरी तो जिस दिन हुई उस दिन ही पता चल गई, तो आप लोगों ने इसको एडजस्ट करना चाहिए, एडजस्टिंग द अकाउंट्स ऑफ द कंपनी फॉर द फाइनेंशियल ईयर, आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि शेयर ही चोरी अपने को पहले से ही पता थी, हो गई है, सिर्फ पकड़ा उसको मई महीने में, चोरी तो जनवरी की है, अच्छा जनवरी के बदले ये चोरी रहती थी अप्रैल की, अब बताओ तो क्या आंसर रहता था, लोकेश गांधी जनवरी के बदले यहाँ पे अप्रैल 13 की चोरी है जिसको मई 13 में पकड़ा, लोकेश गांधी बोलो तुम, सर कोई अकाउंटिंग एंट्री पास नहीं, इसका मतलब वो क्या है, नॉन एडजस्टिंग इवेंट, कुछ भी करना नहीं है, समझ में आ रहा क्या, ये देखो क्वेश्चन नंबर 3, कंपनी फाइल्ड अ लीगल सूट अगेंस्ट द डेटर फ्रॉम होम 15 लाख इज रिकवरेबल, मतलब अपने को पैसा नहीं देना था पहले, चांसेस ऑफ रिकवरी बाय लीगल सूट आर नॉट गुड एज पर द लीगल ओपिनियन, पैसा मिलने वाला नहीं है, हमारा वकील ने पहले बोली, स्टिल हमने खुद की खुशामदी के लिए सलामती के लिए डाल दी केस, कैन द कंपनी प्रोवाइड फॉर फुल 15 लाख इज प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट डिस्कस्ड इन डिटेल, देखो आपको अभी कैसा है, आपकी लीगल काउंसिल ने बोल दिया कि पैसा नहीं आने वाला, तो आप लोगों ने क्या करना चाहिए, इसका प्रेजेंट ऑब्लिगेशन ऑलरेडी मिल गया, पास्ट क्या है, अपन ने उसको सेल किया, अपन ने गुड सेल किए थे, इसके लिए डेटर पैदा हुआ, गुड सेल से पैदा हुआ डेटर, डेटर हो गया मतलब ही पास्ट इवेंट हो गया, सेलिंग ऑफ गुड्स टू दी कस्टमर, उसके बाद में प्रेजेंट ऑब्लिगेशन क्या हो गया, अपने 15 लाख रुपए मिलने नहीं वाले है ना, ये क्यों हो गया प्रेजेंट ऑब्लिगेशन क्रिस्टलाइज, क्योंकि अपने कंपनी के लीगल लॉयर लॉयर ने बोल दिया कि अपने को मिलने वाला नहीं है, समझ में आ रहा क्या, तो आप लोगों ने इसके लिए प्रोविजन करना चाहिए, मैं क्यों बोला प्रोविजन करने के लिए, क्योंकि अपने लीगल टीम ने बोला कि पैसा मिलने वाले नहीं, ठीक है, तो आप लोगों ने प्रोविजन बनाना चाहिए, समझ में आ रहा कि आप लोगों को प्रोविजन बनाना पड़ेगा, ये क्वेश्चन के अंदर इसको डाउट होगा तो देखो ये एक बार पढ़ लो बराबर, प्रोविजन बनाना ही इसका मतलब है आप उसका एडजस्टमेंट कर रहे हो, ठीक है, ठीक
ठीक है, आप क्वेश्चन नंबर टू छोड़ के 1 to 10 के अंदर जितने क्वेश्चन है वो कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर टू सिर्फ बाकी है गोइंग कंसर्न का, वो अपन बाद में देखते हैं। आप क्वेश्चन देख के, ठीक है, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू।